दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा एप्लीकेशन लेके आया हूँ। इस एप्लीकेशन के जरिए से आप जो है, अगर आप रेफर एंड अर्न करके अर्निंग करना चाहते हैं, तो इस एप्लीकेशन से आप बहुत ही अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि इस एप्लीकेशन पे आपको एक रेफर का 90 से 180 तक आपको मिल जाता है एक रेफर का। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे जो है आप एक रेफर का 90 से 180 तक आप पाएंगे। तो दोस्तों पहले मैं आप लोगों को रेफर का जो प्रोसेस है मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे आपको जो है वर्क करना है, कैसे आपको रेफर करना है, क्या क्या करना है, सारा कुछ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों पहले जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक रेफर का आपको जो है यहाँ पे एक USDT का जो है आपको बता दूँ, एक USDT का आपको अभी जो है मार्केट वैल्यू चल रहा है 89, यानी कि 90 रुपये से 1 रुपया कम आपको एक USDT का वैल्यू है। कभी कभी ये जो है 90 भी हो जाता है, कभी 1-2 रुपये कम भी हो जाता है, कभी बढ़ भी जाता है, तो ये घटता बढ़ता रहता है। और दोस्तों मैं आपको बताया था एक रेफर का 90 से 180 तक कैसे मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे जो है आप किसी बंदे को अगर आप शेयर करते हैं, यहाँ पे आपको दिखाया गया है, अगर आप किसी बंदे को शेयर करते हैं, शेयर करने पर आपको जो है यहाँ पे 10 बंदे को शेयर करने पर आपको टोटल 20 USDT मिलता है, यानी कि 10 USDT तो आपको तुरंत के तुरंत मिल जाता है। उसके बाद 10 USDT जो है आपको एडवांस दे दिया जाता है अगर आप 10 कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छा खासा अर्निंग मिलता है अगर आप यहाँ पे शेयर करते हैं, तो बढ़िया आपको मिल जाता है। तो दोस्तों मैंने जो है एक रेफर किया था जिसका मुझे जो है पेमेंट भी मिल गया था, और मैंने जो है यहाँ पे विड्रॉल भी लगा लिया था। तो दोस्तों मैं आप लोग को दिखा देता हूँ मैंने जो है यहाँ पे कितना रुपया अर्न किया है, सारा कुछ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैंने एक एक ही वीडियो लगाया था, और जैसे मैं यहाँ पे मुझे पेमेंट मिल गया तो मैं आप लोगों को बता दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मैंने 100 रुपये का एड मनी किया था, और 187 रुपये को मैंने विड्रॉल लगाया था। यानी आप समझ सकते हैं मैंने एक जो है रेफर से इनकम किया था, एक रेफर से मैंने 87 या 88 रुपये ऐसा कुछ इनकम किया था, और यहाँ पे मेरा 100 रुपये मैंने ऐड किया था, टोटल 187 का मैंने जो है यहाँ पे पेमेंट लगाया था। तो आप समझ ही सकते हैं यहाँ पे जो है इंस्टेंट कैशबैक भी मिलता है, और आप जो यहाँ से इंस्टेंट विड्रॉल भी करवा सकते हैं। और दोस्तों आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे जो है आप जैसे आप इस एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन कर लेने के बाद आपको जो है यहाँ पे एक KYC करना रहता है। KYC कैसे किया जाता है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे आपको किसी फ्रेंड ने, अगर आप किसी फ्रेंड से शेयर होते हैं, यानी शेयर मैं आपको बता देता हूँ, आप किसी फ्रेंड को अगर शेयर करेंगे, जैसे भी आप किसी भी फ्रेंड को शेयर करेंगे, शेयर करने से पहले आपको जो है यहाँ पे अपना KYC कंप्लीट कर लेना है। और दोस्तों उसके बाद आपको जो है अपना वॉलेट एक्टिवेट करवाना है, उससे पहले आप रेफर नहीं करेंगे किसी बंदे को। तो अगर आप रेफर कर देते हैं तो आपको वहाँ पे रेफर एंड अर्न का जो बेनिफिट होता है वो नहीं मिलने वाला है। तो वॉलेट एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो है एक ट्रेड कर लेना है, 110 या 115 का आपको एक ट्रेड कर लेना है, यानी कि कुछ बाय एंड सेल कर लेना है। वो भी कैसे करना है मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा। बाय एंड सेल करने के बाद आपको आपका जो है वॉलेट एक्टिवेट हो जाएगा, और आप जो है किसी भी फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। जैसे आप शेयर करेंगे, शेयर एंड यहाँ पे जो है शेयर का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे शेयर के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको जो व्हाट्सअप, फेसबुक वगैरह वगैरह सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। आप जहाँ पे भी शेयर करना चाहते हैं वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। तो उसके बाद आप जैसे यहाँ पे शेयर कर देंगे, शेयर करने के बाद वो जो आपका फ्रेंड है वो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा। डाउनलोड करने के बाद आपको जो है वो फ्रेंड को KYC कंप्लीट करवाना है। KYC कंप्लीट करने के बाद वो फ्रेंड जो है आपका एक ट्रेड करेगा। तो वहाँ पे जो है KYC कंप्लीट किया कैसे किया जाता है, एक ऑप्शन आएगा KYC कंप्लीट करने का, वहाँ पे आपको जो है आधार कार्ड डालना है। उसके बाद आधार कार्ड का जो है एक OTP आएगा, उस OTP को डालना है, पिन कार्ड डालना है, अपना सेल्फी लगाना है, तो आपका जो है KYC कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एड मनी करना है, कैसे एड मनी वगैरह करना है मैं आप लोगों को इसी वीडियो में दिखा देता हूँ। एड मनी उसके बाद KYC कंप्लीट होने के बाद उसका एक ही काम करना है, जो एक बाय एंड सेल करवा देना है। जब तक आप एक बाय एंड सेल नहीं करते हैं तो आपको तब तक जो है आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, आपको रेफर का जो है पेमेंट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों बाय एंड सेल करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आप अपने फ्रेंड का KYC कंप्लीट कर देते हैं, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन आ जाएगा एड मनी का, एड मनी करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको UPI पे क्लिक करना है। जैसे आप UPI पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपको UPI ID कॉपी
कर लेना है फोन पे में। तो जैसे आप यूपीआई आईडी कॉपी कर लेंगे तो आपका जो है यहाँ पे फोन पे ओपन हो जाएगा। फोन पे ओपन होने के बाद यहाँ पे जो आपको बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है यहाँ पे पेमेंट करने के लिए, यहाँ पे आपको फोन पे में यूपीआई के ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको उसका जो आपने यूपीआई कॉपी किया था उस कॉपी यूपीआई को यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपको 110 का पेमेंट लगाना है। 110 का 110 का आप जैसे ही पेमेंट लगाएंगे तो यहाँ पे जो है आप किसी भी आपके एप्लीकेशन के जरिए से आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद उसी का जो यूटीआर नंबर होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, उसे आपको 12 अंक का है उसे आपको कॉपी कर लेना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो है मैंने यूटीआर नंबर को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपको जो है यहाँ पे उसी नंबर को यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए आपको एडमनी पे आना है। एडमनी पे आने के बाद दोस्तों जैसे ही मैंने पेमेंट किया मेरा जो है वॉलेट पे ऐड हो गया पेमेंट। अगर आपका भी वॉलेट पे ऐड हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वॉलेट पे ऐड नहीं होता है तो मैं जो है दूसरा प्रोसेस आप लोगों को बता रहा हूँ, उस प्रोसेस के जरिए से आप जो है ऐड करवा सकते हैं। मतलब आपने जो पेमेंट कर दिया उसका एक यूटीआर नंबर होता है जो मैंने आपको कॉपी करने को बताया था, उस यूटीआर नंबर को आपको जो है यहाँ पे ऐड मनी के अंदर क्लिक करना। जैसे ही आप ऐड मनी पे क्लिक करते हैं यहाँ पे नीचे आपको चेक पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करना है। चेक पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करने के बाद आपको जो है अपना यूटीआर नंबर एंटर करके यहाँ पे क्लेन नाउ पे क्लिक कर दें। जैसे आप क्लेन नाउ पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो है पेमेंट ऐड हो जाएगा। यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, मुझे सब करने की जरूरत नहीं पड़ा। इसको बाय कर लेना है तो सबसे बढ़िया है BTC आप बाय कर लें। BTC आप जैसे BTC बाय करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे फुल बाय कर लेना है 110 का। 110 का जैसे आप बाय करेंगे उसके बाद आपको जो है कुछ क्लेम वगैरह आपको मिल सकता है। कुछ मेरा जो है यहाँ पे 1 रुपये मिला है, आपको भी कुछ मिल सकता है यहाँ पे ऐसे कुछ के। तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इसे आपको सेल भी कर देना है। और जैसे आप सेल करेंगे कैसे, आपको आपको भी BTC ओपन करना है, उसके बाद फिर से आपको सेल कर देना है इसी को, क्योंकि आपके फ्रेंड का जो है आपको पैसे भी तो वापस करना है ना, तो आपको यहाँ पे सेल कर देना है। तो जैसे आप सेल करेंगे आपका जो है वॉलेट में फिर से अमाउंट आ जाएगा, और आने के बाद आपने इतना कर दिया आपके फ्रेंड के फ़ोन पे और आपका जो है जो आपने रेफ़र किया था वो आपको जो है मिल जाएगा, आपका जो है रेफ़र बैलेंस आपको मिल जाएगा। तो मैं तो यहाँ पे रेफ़र नहीं किया, मेरा खुद का पैसे मैंने यहाँ पे आपको बाय एंड सेल करके बताया, तो मुझे जो अभी कुछ मिलने वाला नहीं है। और उसके बाद आपको जो अपने फ्रेंड का यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक करना है, अपने फ्रेंड का बैंक अकाउंट नंबर डालना है, IFSC कोड डालना है और आपको पेमेंट कर लेना है। तो मैं जैसे आप डालेंगे उसके बाद आपको जो है कितना विड्रॉल करना है, जैसे आप विड्रॉल लगाएंगे विड्रॉल लगाने के कुछ देर के अंदर आपके अकाउंट पे आपका बैलेंस आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट पे अभी आ गया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो देखकर पूरा समझ में आ गया है। कुछ भी अगर थोड़ा सा भी समझ में दिक्कत हुआ है, समझने में मुश्किल हुआ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा।